शेयर्स की जो है परसेंटेज हम लोग किस तरह से निकाल सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपके शेयर्स की प्राइस है 850 रुपये, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.15 रुपीज़, सही है, इसको हम डिवाइड कर देंगे 100 पर, तो ये हमारा कमीशन निकल गया 1.27 रुपीज़ का। ये हमारा कमीशन जो है काटेगा, के ट्रेड वाले या जो कोई भी ब्रोकर होता है वो हमारे को ये कमीशन काट लेते हैं। अब इसकी हम निकालते हैं 850 रुपये का हम टैक्स का वो निकालते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे 0.17 डिवाइडेड बाय 100, ये हमारा टैक्स निकल गया। ये टैक्स कटेगा हमारे पर, मतलब बाय करें या शेयर को हम सेल करें, ये हमारा टैक्स कटेगा 1.44 रुपीज़ का। ये आपने ध्यान में रखना है, इस तरह से आपने काम करना है, कमीशन और टैक्स दोनों अमाउंट निकाल कर और उसमें ऐड करना है। मिसाल के तौर पे आपका ये 1.44 रुपीज़ है और दूसरा कितना था 850 मल्टीप्लाई बाय 0.15 डिवाइडेड बाय 100, ये हमारा 1.27। इसको हम क्या करेंगे, 850 के अंदर प्लस करेंगे, 850 प्लस 1.44 प्लस 1.27, इसको हम इक्वल टू करके 852.71, ये हमारा पड़ गया शेयर हमारे को बाय करके, ये इतनी कीमत का पड़ा है, तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। चलें जी वीडियो की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज के इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे शेयर्स को बाय और सेल करने पर कितना कमीशन चार्ज होता है और टैक्स वगैरह कितना कटता है। बहुत से लोग आप लोगों को कमीशन का तो बता देते हैं लेकिन ये नहीं बताते कि सेल और बाय पर आपका टैक्स भी काटा जाता है, तो कितना कितना होता है टैक्स और कमीशन वो मैं आप इसको इस वीडियो में बताऊँगा ज़रूर इंशाल्लाह ताला। और चलें जी, सबसे पहले नंबर पर है शेयर्स को बाय और सेल करने पर 0.15% कमीशन चार्ज किया जाता है अगर शेयर्स की कीमत 20 रुपये से ज़्यादा हो, और अगर शेयर्स की प्राइस मतलब 20 रुपये से कम हो तो आपका 0.03 का कमीशन चार्ज होता है। इसमें आप एक बात जहन में रख लें कि अगर आपका 20 रुपये का शेयर है तो चाहे वो 1000 का शेयर हो, चाहे 10,000, चाहे 15,000, जितना भी आपका शेयर्स की प्राइस हो, आपका कमीशन 0.15% ही कटेगा। हाँ, अगर 20 रुपये से कम होता है तो आपका 0.03% कमीशन चार्ज होगा और आपका टैक्स कटेगा बाय करने पर, ख़रीदने पर और सेल करने बेचने पर, दोनों पर आपका 0.17% टैक्स कटता है। 0.17% आपका टैक्स बाय पर और सेल दोनों पर आपका टैक्स कटता है। अच्छा, बार बार सेल और बाय करने से अच्छा है कि आप टॉप 25 कंपनीज के शेयर्स को बाय कर लें और उनको होल्ड कर लें। जब अगली नेक्स्ट जो लिस्ट आएगी स्टॉक एक्सचेंज वाली, उसमें आप देख लें कि अगर वही लिस्ट उसमें वो शेयर्स हैं जो आपके वॉच लिस्ट में हैं। मिसाल चलो मैंने वॉच लिस्ट इस तरह से बना लेता हूँ, आप भी इस तरह से वॉच लिस्ट बना लें, उसमें आप इनको ऐड करते जाएँ, जो आप देखें कि भाई ये अब टॉप लिस्ट में से निकल गया, जो अगली नेक्स्ट लिस्ट आएगी 2022 की उसमें आप देखें कि इसमें ये शेयर मेरे पास है पर उस टॉप लिस्ट में नहीं है, तो आप उसमें से वो भेज दें। ये मेरा अपना तरीका है, बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप जोन से भी शेयर लें तो नुकसान और फ़ायदा आपके अपने ऊपर। मैं आपको एडवाइज़र नहीं हूँ, आपका सिर्फ ऐसे ही एक इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो बनाकर सेंड करता हूँ, आप लोगों को अपलोड कर देता हूँ। अच्छा, इनको आपने अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करना है, जो आपकी जो टॉप 25 कंपनीज होती हैं उनको, और उसके बाद आपने ये देख लेना कि कोई बैंक के और इंश्योरेंस की कंपनीज़ वगैरह के शेयर्स आप ना लें। उसके बाद चलते हैं हम आप, अच्छा आपको हर 3 माह के बाद डिविडेंड भी मिलता है इनमें से, और ज़रूरी नहीं है कि हर कंपनी आपको इसमें डिविडेंड दे, बहुत सी जो कंपनीज़ जो है प्रॉफिट में जा रही होती हैं वही डिविडेंड देती हैं, और बहुत सी कंपनीज़ जो है आपको नहीं भी देती। शेयर्स को कभी भी नुकसान में फ़रोख्त ना करें, एक बात मैं आपको बता दूं, शेयर्स अगर नुकसान में जा रहा है आपका तो आपने उसको नुकसान में
फरोख्त ना करें, थोड़ा होल्ड कर लें जो, और एक ही साथ जो है सिर्फ मिसाल के तौर पर एक ही शेयर में सारे पैसे भी इन्वेस्ट ना करें। इस तरह से आप ज़्यादा लॉस में जा सकते हैं। और मिसाल के तौर पे आप 1,000 रुपये भी पर मंथ के हिसाब से इन्वेस्ट कर सकते हैं, और कम से कम जो है के ट्रेड में मैंने सुना है कि 5,000 रुपये तक जो है इन्वेस्टमेंट की जाती है, लेकिन अगर आप उसके जो ब्रोकर होते हैं उनसे बात करें तो 1,000 रुपये में भी आपका अकाउंट खोल दिया जाता है। अगर आपको कोई प्रॉफिट होता है इनमें से, तो आपने काम क्या करना है कि आपने आधा प्रॉफिट शेयर्स में दोबारा लगाना है, और आधा जो है आप अपने अपनी ज़रूरतों को घर के काम काज में और इन चीज़ों में रख लेना है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और ऐसे ही और वीडियोज़ को देखने के लिए अपने यूट्यूब चैनल माई ग्राफिक्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।